नेपाल में प्लेन क्रैश, 18 लोगों की मौत। मरम्मत के बाद टेस्टिंग के लिए उड़ान भरी, अचानक झुका, पलटा और आग लग गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये क्रैश हो गया। 9N AME प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में मारे गए 18 लोगों में से 3 एक ही परिवार के हैं, जिनमें मनुराज शर्मा, उनकी पत्नी प्रीजा खाटीवाड़ा और उनका 4 साल का बेटा आदिराज शर्मा शामिल हैं। दरअसल 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत करके टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी, इसे तुरंत बुझा दिया गया। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। चश्मदीद बोले, टेक ऑफ करते ही झटका लगा, फिर क्रैश हो गया। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा, प्लेन रनवे के दक्षिण छोर से टेक ऑफ कर रहा था, अचानक से इसमें झटका लगा और आग लग गई। इसके बाद ये रनवे के पूर्वी हिस्से में बुद्धा एयर हैंगर और रडार स्टेशन के बीच एक गड्ढे में गिर गया। सौर्य एयरलाइंस की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी नेपाल में 5 जगहों के लिए विमान संचालित करती है। इनके पास 3 बॉम्बार्डियर CRJ-200 जेट्स मौजूद हैं। नेपाल में 14 साल में 12 विमान हादसे हुए। नेपाल में एयर इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में काफी विकास हुआ है। ये कई कठिन और पहाड़ी वाले इलाकों में भी सेवाएं दे रही है। हालांकि खराब सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेनिंग की कमी की वजह से यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं।